Good evening, every one of you. Myself, Neeta Jain. I welcome you all in my class, KVS PGT Chemistry classes. So, dear student, you all are preparing for Kendriya Vidyalaya PGT exam, okay? So, the very important section is chemistry paper. That is your subject concern paper. Iske baad, the second part from which is very scoring after chemistry and it's very easy also, that is your teaching aptitude. So friends, teaching aptitude se 20 questions aate hain. Okay, and sabse pehle baat hum ye dekhte hain ki teaching aptitude paper ki taiyari kaise karni hai. Okay, aap sabhi ne B.Ed padhai hoga kisi na kisi state se. And all throughout the India, B.Ed syllabus jo hai, it is almost same. Okay, aapko B.Ed mein philosophy padhni hoti hai, aapko psychology padhni hai. And students jo DSS D++B ka exam de rahe hain, jo CTET de rahe hain, unko child development and pedagogy padhna hoti. That is a part of teaching aptitude. First, make this point clear ki child development and pedagogy jo hota hai, वो सीटेट का पेपर है, वो D++B में ज़्यादा पूछा जाता है. बट व्हेन यू आर कंसर्न्ड अबाउट केंद्रीय विद्यालय एग्ज़ाम और जवाहर नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम, आपको पूरा पढ़ना है. आपको फिलोसॉफी भी पढ़नी है, साइकोलॉजी भी पढ़नी है, आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी भी पढ़नी है, आपको गाइडेंस एंड कैरियर काउंसलिंग भी पढ़नी है. सो लेट्स स्टार्ट. आज हम जो टॉपिक लिए हैं उसका नाम है फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन. तो देखो, फिलोसॉफी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि वो एक मत होती है, ठीक है? फिलोसॉफी मीन्स एक आइडिया, किसी का मत, वो ग्रुप ऑफ पीपल्स का, दैट इज़ कॉल्ड एज अ फिलोसॉफी. अब जो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है या हमारा जो इंडिया है, उसमें बहुत सारे फिलोसफीज़ हैं. ओके, अब उसमें से जो बेसिक इम्पॉर्टेंट फिलोसफी जो आपने B.Ed में पढ़ी है वो है, एक तो आइडियलिज्म पढ़ा है आपने, दूसरा पढ़ा है रियलिज्म, थर्ड इज नेचुरलिज्म और फोर्थ वन इज प्रैग्मेटिज्म. ओके, दीज आर द फोर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन. अब देखो, ये फिलोसफी तो है, लेकिन जब हमने इस फिलोसफी का जो निचोड़ है, जो इनका ऑब्जेक्टिव्स है, उसे हम एजुकेशन में यूज़ करते हैं, तब तो वो बन जाता है एजुकेशनल फिलोसफी. सो डियर चिल्ड्रंस, हमें क्या करना है कि एज इट इज़ जो आपने B.Ed में पढ़ा है वो तो एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, राइट? आपको क्या करना है, आपको जैसे आपने आइडियलिज्म पढ़ा, आपने रियलिज्म पढ़ा, जो भी एक फिलोसफी है उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उस फिलोसफी के अकॉर्डिंग टीचर को कैसा होना चाहिए, क्यूरिकुलम कैसा होता है, स्कूल मैनेजमेंट कैसा होता है, तो इन सारे पॉइंट्स को आपको डेप्थ में स्टडी करना है. और उससे रिलेटेड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, वो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं. वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपोनेंट्स. एक्सपोनेंट्स मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई फिलोसोफर है या कोई एजुकेशनलिस्ट है, उन्होंने पर्टिकुलर फिलोसफी में क्या योगदान दिया है, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है. सपोज जैसे फ्रॉबल है, तो फ्रॉबल का भी बाई किंडर्स गार्डन उन्होंने डेवलप किया था, तो फॉर हु डेवलप द किंडर गार्डन. ओके, हु डेवलप, देन जॉन डीवी से भी क्वेश्चन आते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर से भी क्वेश्चन आते हैं, महात्मा गांधी से भी आते हैं. तो कभी कभी ये जो फेमस फिलोसोफर्स हैं, ये और यू कैन से कि फेमस एजुकेशनलिस्ट हैं, इनकी इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, फिलोसोफीज ऑफ एजुकेशन. तो देखिए, वी हैव फोर मेन फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन. पहला होता है आइडियलिज्म. आइडियलिज्म को अगर एक लाइन में कहा जाए तो कि वो आइडियाज़ पे बेस्ड होता है. ओके, नाउ रियलिज्म इज द सेकेंड वन. रियलिज्म मीन्स इन वन वर्ड रियलिटी, जो दिख रहा है, जो सामने है, दैट इज़ रियल. ओके, नाउ नेचुरलिज्म. नेचुरलिज्म क्या होता है, नेचर से बना हुआ है ये वर्ड. नेचुरलिज्म मतलब जो नेचर में है, नेचुरल वे ऑफ टीचिंग, नेचुरल तरीके, प्ले वे मैथड, यू नो एवरीथिंग इज नेचुरल, दैट इज नेचुरलिज्म. अब प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, प्रैग्मेटिक. प्रैग्मेटिक शब्द का मतलब होता है जिस चीज़ का प्रमाण है, जो कि आप एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव कर सकते हो, विच कैन बी प्रूव्ड,
जिसका वेरिफिकेशन हो, जिसका जस्टिफिकेशन हो, उसको कहते हैं हम प्रैग्मेटिज्म। अब इन चारों फिलोसफीज का जो एक निचोड़ होता है वो कहलाता है हमारा एजुकेशनल सिस्टम। जैसे कि हम क्लास में पढ़ाते हैं तो कभी कभी हम डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं करते हैं, राइट। अब जैसे हमको साइंस पढ़ाना है तो साइंस सब्जेक्ट जो है वो तो पूरा एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है ना। अब आपको स्कूल्स में योगा एजुकेशन देनी है, स्पिरिचुअल एजुकेशन भी देती हैं आजकल स्कूल्स में, आप देख रहे होगे देयर लॉट्स ऑफ योगा क्लासेस गोइंग ऑन द स्कूल एंड, तो वो सब किस पे डिपेंड होती है, वो आइडियलिज्म अप्रोच है। ओके, तो देखते हैं हम कि हमने कुछ स्पेसिफिक कुछ ब्रॉड 9 पॉइंट्स बनाए हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट 9 पॉइंट्स वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट किसी भी फिलोसफी का होता है कि उसकी मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बिहाइंड एनी ऑफ द फिलोसफीज, तो वो कहलाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। नाउ डियर स्टूडेंट, दूसरा चीज़ होता है कि किसी भी फिलोसफी के ना प्रिंसिपल्स होते हैं और उन प्रिंसिपल्स को देखते हुए हम उस फिलोसफी से कुछ एम्स बनाते हैं कि भाई इस फिलोसफी की ये क्वालिटी है, तो क्या हम उस क्वालिटी को हमारे एजुकेशन में इम्प्लीकेट कर सकते हैं, तो वो कहलाता है एम्स ऑफ एजुकेशन एज पर दैट पर्टिकुलर फिलोसफी। थर्ड होता है क्यूरिकुलम, कि एक फिलोसफी का क्यूरिकुलम मतलब पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम डिजाइनिंग में, क्यूरिकुलम डिजाइनिंग में क्या योगदान है, दैट इज द क्यूरिकुलम। द फोर्थ वन इज मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है कि आप किस मेथड से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ था प्रैग्मेटिज्म मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करवाना। ओके, अब साइंस पढ़ाना है, मैथ्स पढ़ाना है, तो वो तो दैट इज़ बेस्ड ऑन दी एक्सपेरिमेंट। आप बायो पढ़ाओगे, आप केमिस्ट्री पढ़ाओगे, फिजिक्स पढ़ाओगे, मैथ्स पढ़ाओगे, तो सारी चीज़ें क्या है, दैट इज़ अ साइंटिफिक अप्रोच। तो वो एक्सपेरिमेंट किसके देने हैं, वो प्रैग्मेटिज्म के देने हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, हिंदी पढ़ा रहे हो, सोशल पढ़ा रहे हो, तो आपको लेक्चर मेथड यूज़ करना है। आपने हिस्ट्री पढ़ाया, आपने किसी हिस्ट्री में किसी भी कोई आपने वॉर बैटल के बारे में बता रहे हो, या किसी किसी राजा की कोई कहानी है, तो डैट इज़ एक्सप्लेन ओनली बाय द लेक्चर मेथड। आप उसमें वहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं करा सकते, बिकॉज वो फैक्ट है, दैट विल रिमेन एज इट इज़। ओके, नाउ आते हैं हम टीचर्स और स्टूडेंट्स, ठीक है, कि टीचर को कैसा होना चाहिए और स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। जो आपका है वो टीचर सेंटर्ड होना होता है कि स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, ठीक है ना। ना डिसिप्लिन कैसा होगा, आपने जैसे आइडियलिज्म अप्रोच किया, तो अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म डिसिप्लिन कैसा होगा, देन स्कूल मैनेजमेंट कैसा होगा। नाउ एक्सपोनेंट जो होते हैं ना, एक्सपोनेंट मतलब कि जिसको आप हिंदी में शायद प्रतिपादक कहते हैं, या फिर एक्सपोनेंट मतलब कि वो फिलोसोफर्स, वो एजुकेशनलिस्ट जिनका ये फिलोसफी को डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज इम्प्लीकेशन इन डेली रियल क्लासरूम, मतलब कि आपको क्लासरूम की एक सिचुएशन दे दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा कि इसमें कौन से फिलोसफी इन्वॉल्व है, या फिर ये किस फिलोसफी का कॉन्सिक्वेंस है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ फ्लो चार्ट, या फिर हमें इस तरीके से सारे फिलोसफीज को स्टार्ट करना है। एंड द नेक्स्ट फिलोसफी विच वी विल गो एंड रीड इज आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। हम इसको कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, देन आफ्टर दैट वी विल रीड अबाउट नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म।